हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं एडुकेर सर्विंग द नेशन यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास नाइन्थ के एक बेहद ही खूबसूरत नाटक धर्मयुद्ध को जो समाज में व्याप्त कुरीतियों को आईना दिखाने का काम करती है लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे इस नाटक के लेखक के बारे में और ये जानकारी निश्चित रूप से आपको औरों से अलग बनाएगी तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और नाटक का आनंद लीजिए ये है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अर्जुन देवचरण के बारे में जो हैंड रिटन हैं आइए जानते हैं इनको द स्टोरी धर्म हैज़ बिन रिटन बाय अर्जुन देवचरण ये तो हमने अभी भी जाना धर्मयुद्ध का जो लेखक है वो अर्जुन देवचरण है डॉक्टर अर्जुन देवचरण इज अ वेल नोन राजस्थानी पोएट क्रिटिक प्लेराइट थिएटर डायरेक्टर एंड ट्रांसलेटर डॉक्टर अर्जुन देवचरण राजस्थानी भाषा के एक जाने माने पोएट क्रिटिक प्लेराइट थिएटर डायरेक्टर और ट्रांसलेटर हैं ही इज अ टीचर बाय प्रोफेशन वह अपने प्रोफेशन से वह अपने पेशे से एक शिक्षक हैं ही वॉज बॉर्न ऑन टेन मई नाइनटीन फिफ्टी फोर इन ऑफ मथानिया जोधपुर राजस्थान उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया नामक गांव में दस मई उन्नीस सौ को हुआ था हिज फादर रनवत दंचरन ऑल्सो वॉज एन एमिनेंट राजस्थानी पोइट एंड सोशलिस्ट हैड वोन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इज नर्क उछलो उनके पिताजी रेणव दनचरण राजस्थानी कवि और सोशलिस्ट थे जिनको उनके एक महत्वपूर्ण वर्क उछलो के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था अर्जुन देवचरण वॉज अवार्डेड द ट्वेंटी फर्स्ट बिहारी पुरस्कार फॉर टू थाउजेंड इलेवन बाय द के बिरला फाउंडेशन फॉर हिज राजस्थानी पोएट्री कलेक्शन घर ताओ एक नाम है भरोसाई राव अर्जुन देव चरण को उनके राजस्थानी भाषा के काव्य संग्रह घर ताऊ एक नाम है भरोसाई राव के लिए के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इक्कीसवीं बिहारी बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दो के लिए ही हैज़ बीन अवार्डेड बाई साहित्य अकादमी दिल्ली फॉर हीज़ वर्क धर्म युद्धा इन नाइनटीन नाइन्टी टू इसके अलावा इनको धर्मयुद्ध के लिए उन्नीस सौ बानवे में साहित्य अकादमी दिल्ली से भी सम्मानित किया गया ही हैज़ ऑल्सो बीन अवार्डेड बाई राजस्थान संगीत नाटक अकादमी फॉर हीज़ कंट्रीब्यूशन टू द राजस्थानी लैंग्वेज थिएटर इन नाइनटीन नाइन्टी नाइन इसके अलावा इनको उन्नीस सौ निन्यानवे में राजस्थानी लैंग्वेज थिएटर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनके योगदान के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया ही इज़ द फाउंडर ऑफ रम्मत थिएटर ग्रुप जोधपुर और वह जोधपुर में रम्मत थिएटर ग्रुप के फाउंडर हैं अब यहाँ अर्जुन देव चरण के कुछ प्लेज का नाम है दो नाटक एंड राय बोल महारी मछली के पानी मुक्ति गाथा एंड धर्म योद्धा विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो तो आइए शुरू करते हैं धर्मयोद्धा एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ जिसमें हम कुछ अलग और एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करेंगे जिसमें अर्जुन देवचरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ अपोइ अर्जुन देवचरण पेशे से एक शिक्षक हैं और मूल रूप से एक कवि हैं हिज प्लेज अपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री उनके नाटक उनके कविता का विस्तार स्वरूप है अर्थात उनका कविता जिस थीम पर बेस्ड होता है वो उनके नाटक में भी दिखाई दे देता है द पोएट इन हिम सोर्स थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पीथी लाइन्स एंड द संग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले उनके अंदर जो कवि का गुण है वह उनके नाटक में प्रयुक्त होने वाले उनके अर्थपूर्ण लाइन्स उनके शॉर्ट क्रिस्प पीथी लाइन्स और समूह गान में भी दिखाई देने देखने को मिलता है हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिसड इन द लेट सेवेंटीज़ वॉज रिसिव्ड रादर इन डिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरे सर्कल्स उनका पहला राजस्थानी प्लेस पब्लिश हुआ था लेट सेवेंटीज़ में अर्थात सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लेकिन राजस्थान के साहित्यिक मंच पर वो उदासीन ही रहा उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला टिल दैट टाइम उस समय तक ड्रामा इन राजस्थानी हैडमेंट इधर समेस्ट्रे वन एक्ट प्लेज ऑन एक सोशल इश्यूज़ लाइक विडो मैरिज, डॉरी एट्सेट्रा और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम वॉज बियॉन्ड कंजेक्चर उस समय तक राजस्थानी भाषा में ड्रामा का मतलब केवल कुछ सामाजिक मुद्दों जैसे विडो रिमैरिज विधवा पुनर्विवा डॉरी अर्थात दहेज इन सभी पर नाटक दिखाया जाना था या ऐतिहासिक और पौराणिक विषय वस्तु पर आधारित कुछ लोक कथा सब दिखाया जाता था उस टाइम तक उस समय के थीम के अनुसार उस समय के विषय वस्तु के अनुसार उस पर एक संपूर्ण नाटक का अनुमान लगाना भी आ, मुश्किल था इट वॉज़ बियॉन्ड कंजक्चर यह अनुमान से परे था हाउ एवर अर्जुन अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर परंतु अर्जुन का अराइवल अर्जुन देवचरण का ड्रामेटिक लिटरेचर के साथ साथ मॉडर्न थिएटर में भी सिग्निफिकेंट रोल रहा अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड दो नाटक आजरा ग्वारियन एन बोल महारी मछली तक पानी धर्म युद्धा एंड मुक्ति गाथा ये इनके कुछ नाटक हैं जो हमको जो हमने पहले डिस्कस किया धर्मयोद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण द महाभारत एट्सट्रा धर्म, Padma, like the Ramayan, the धर्म एक छोटी सी लड़की पदमा की कहानी है जो कुछ धर्म ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत इन सब को पढ़ करके बड़ी हुई है शी फील्स अग्रीव्ड एंड एजुटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वेमेन वह महिलाओं के प्रति जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है सोसाइटी का उससे दुखी फील करती है उससे खुद को पीड़ित फील करती है सी रिपीटेडली क्वेश्चन हर पेरेंट्स एंड हर टीचर about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage वह अपने माता-पिता अपने शिक्षक से बार-बार पूछती है कि महिलाओं का अधिकार क्या है महिलाओं का पहचान क्या है कैसे महिलाओं का पहचान उसके शादी से जुड़ा हुआ है here begins the play इन विच देर आर थ्री कैरेक्टर्स पदमा हर मदर एंड हर फादर लट्स ग पदमा सेज मदर वॉट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वूमन पदमा कहती है माँ महिलाओं की पहचान क्या है एक महिला कैसे पहचानी जाती है माँ कहती है वाई डू यू आस्क दैट तुम ये क्यों पूछती हो फिर पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मैं औरों से अलग हूँ कैसे कैसे मैं औरों से अलग हूँ तो माँ कहती है यू आर माई डॉटर आर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग तुम मेरी बेटी हो हमारी इकलौती बेटी हो और अपने पापा की प्रिय हो फिर पद्मा कहती है बट फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी लेकिन पिताजी तो मुझसे ज़्यादा पैसों की चिंता करते रहते हैं इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टोर लव प्यार देने के लिए उनके पास दिल होना चाहिए ना? माँ कहती है फॉर होम डज़ ही सेव लेकिन वह पैसे किसके लिए बचाते हैं ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक वह सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही करते हैं यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास हृदय नहीं है पद्मा कहती है बट आई डिडेंट से इट ऑ ऑफ यू लेकिन ये मैंने आपको नहीं कहा आपके लिए नहीं कहा फिर माँ कहती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड मैं उनसे किसी भी रूप में किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ मेरी पहचान उनके साथ जुड़ी हुई है और मैं इस बंधन को इस बॉन्ड को चेरिश करती हूँ इसी वक्त पदमा के पिता का इंटर इंटर होता है पद्मा के पिता एंटर करते हैं प्रवेश करते हैं इसी वक्त पद्मा के पिता का प्रवेश होता है फिर फादर कहते हैं वट इज़ दिस टाक अबाउट द बॉन्ड पदमा मदर अरे ओ पदमा की माँ तुम किस बॉन्ड की बात कह रही हो माँ कहती है हेयर इज योर फादर आस्क हिम वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो लो तुम्हारे पिताजी आ गए अब जो पूछना है पूछो उनसे फिर फादर कहते हैं वॉट इज इट माई चाइल्ड क्या बात है मेरी बच्ची फिर माँ कहती है शी वॉन्ट्स टू नो वॉट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वूमन वह जानना चाहती है कि एक महिला का पहचान क्या है फिर फादर का जवाब मिलता है यू विल नो इट डियर वेन यू आर मैरिड जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम ब... पहचान जाओगे तब तुम जान जाओगी फादर कहते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम जान जाओगी पद्मा डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमन तो क्या शादी महिलाओं को पहचान दिलाती है फिर माँ कहती है वॉट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड एक महिला अपने पति के बिना क्या है पद्मा कहती है वॉट इफ़ वन डज़ नॉट गेट मैरिड क्या होगा अगर किसी की शादी नहीं होती है क्या होगा अगर कोई शादी नहीं करती है तो माँ कहती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन तो हमेशा ये बेकार की क्वेश्चन क्यों करती हो पदमा कहती है वॉट अबाउट अ वूमन हुज हजबेंड इज़ डेड उन महिलाओं का क्या होता है जिनके पति मर गए माँ कहती है लाइफ इज़ हेल्प फॉर हर उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है तो पदमा कहती है दैट्स इन जस्टिस यह तो बिल्कुल अन्याय है माँ कहती है यूनिज टॉक ऑफ जस्टिस एंड इन है तुम्हें न्याय और अन्याय की बात करने की कोई जरूरत नहीं है पदमा कहती है वाई क्यों लेकिन क्यों क्यों ना करूँ माँ कहती है ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन यहाँ महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है फिर पदमा कहती है वॉट राइट डू दे हैव देन तब उनके पास क्या अधिकार है किस बात का अधिकार है कौन सा अधिकार है तो पदमा के पिताजी कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डयर अधिकार तो सबके लिए बराबर है फिर पदमा कहती है वाई इज़ अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग वन सड नॉट लिव इन सच अ प्लेस तो फिर क्यों घर को सौदेबाजी का जगह बना दिया गया है ऐसा क्यों ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए फिर फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेर एवर यू गो तुम्हें इन प्रश्नों का यही जवाब मिलेगा तुम जहाँ भी जाओगी पदमा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस लेकिन महिलाओं की जो पहचान होती है वो पूरे मानव जाति की पहचान होती है क्योंकि मानव जाति का अस्तित्व महिलाओं के बिना नहीं हो सकता अ सोसाइटी शांस वुमन एक समाज का कल्पना भी महिलाओं के बिना नहीं हो सकता फादर कहते हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस दिस आइडेंटिटी इसलिए तो सब कहते हैं कि शादी ही पहचान देती है शादी से ही पहचान होती है पद्मा, सो इफ ए गर्ल डज़ नॉट गेट मैरिड, शी हैज नो आइडेंटिटी तो अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो उसके पास कोई पहचान नहीं है Why इज़ इट दैट एन अनमैरिड मैन इज venerated एंड कॉल्ड अ संत तो ऐसा क्यों होता है कि जब एक आदमी एक पुरुष शादी नहीं करता तो उनको इज्जत दिया जाता है उनको सम्मान दिया जाता है उनको संत का दर्जा दिया जाता है वाइल्ड एन अनमैरिड वुमन इज़ कॉल्ड इमोरल एंड वॉन्टन जबकि एक अविवाहित महिला को अनैतिक और वान्टन कहा जाता है इस तरह के कई सवाल पद्मा के मन में उठ रहे थे जो हर किसी को सोचने पर विवश कर देता पद्मा के ये सवाल सिर्फ़ उनके माता पिता के लिए नहीं उनके शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी हैं आप हमें पद्मा के सवालों का जवाब कमेंट में दे सकते हैं अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए यहाँ तक धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा